हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इससे फर्स्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले में हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, उसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ें जो थी ना बेटा, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, ठीक है ना, विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता, ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे निलंबन क्या है ना, निलंबन, निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन, है ना, पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सस्पेंशन, SUSPENSION, है ना। तो जैसे सस्पेंशन का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई पदार्थ है ना, और वो किसी द्रव में घोला हमने, है ना, और वो उसमें पूरी तरह घुल नहीं पाया, है ना। जैसे देखा तुमने कि पानी में अगर आप चीनी घोल दोगे तो चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, है ना, सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा, क्योंकि चीनी जो है वो पूरी तरह से उसमें घुल जाती है ना। तो चीनी का तो क्या मिल गया, विलयन मिल गया, है ना। लेकिन जैसे उसमें था कि अगर आप आटा मिला दोगे पानी में, तो आटा जो है वो पानी में घुल, पूरी तरह घुलेगा नहीं, यानी, है ना, यानी आटे के जो कण हैं वो पानी के कणों में समाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनका कण कण कैसे हैं, वो मोटे हैं, है ना, तो वो हमको आँखों से दिखते रहेंगे, हमारी आँखों से वो हमें दिखाई देते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर कोई व्यवस्था है तो वो क्या कहलाती है, निलंबन कहलाती है ना। तो देखो इसमें 4 ग्रुप बनाए थे ना, इसमें 4 समूह बनाए थे, जो क्रियाकलाप था ना 2.2, है ना, 2.2 क्रियाकलाप में पहले वाले बच्चों को क्या दिया था बेटा, ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए थे, ग्रुप बी के बच्चों को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया था, है ना, और CuSO4 कॉपर सल्फेट दिया था, ग्रुप सी जो है उसके चॉक का चूर्ण या गेहूं का आटा दिया था, और ग्रुप डी के बच्चों को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दी थी, है ना। तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में क्या होता है, पूरी तरह घुल जाता है, तो इसका क्या बनता है, विलयन बनता है। फिर ये जो सी ग्रुप वाले बच्चे हैं, जिनके पास चॉक का चूर्ण है या गेहूं का आटा है, तो चॉक के चूर्ण को, है ना, जो चॉक से लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, उसके जैसे जो चूरा होगा उसको पानी में घोल दोगे आप, डाल दोगे, तो वो घुलेंगे नहीं, वो कण हमको दिखाई देते रहेंगे, उसमें लटके हुए, अटके हुए, है ना, उसमें झूलते हुए आपको दिखाई देंगे, तो झूलना ऐसे समझ सकते हो आप। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, झूलना, है ना। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, क्रियाकलाप 2.2 में, एक्टिविटी 2.2 में समूह स, यानी सी ग्रुप जो के जो बच्चे थे उनमें द्वारा पाया गया विषमांगी घोल, है ना, तो वो समांगी नहीं है ना, समांगी का मतलब है कि वो उसमें पूरी तरह से घुल जाए, है ना, होमोजीनियस हो जाए, जबकि ये कैसा है, विषमांगी घोल है, हीट्रोजीनियस घोल है ये, ठीक है ना। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, तो इसमें जो ठोस है ना, जैसे चौक का चूरा है या गेहूं का आटा है, वो क्या है, ठोस है, वो द्रव यानी पानी में क्या हो जाता है, प्रक्षेपित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो, ठीक है ना, लटक जाता है, झूल जाता है, उसको प्रक्षेपित बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये इस तरह की जो होता है वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, जिसमें जो विलेय पदार्थ के कण हैं वो क्या है, घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, लटके रहते हैं, झूलते हुए रहते हैं, ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉपर सल्फेट था शुरू में ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच के बच्चों के पास, ग्रुप ए वाले बच्चों के पास तो कॉपर सल्फेट के कुछ ही क्रिस्टल थे, है ना, कुछ ही कण थे, ग्रुप बी वालों के पास 1 चम्मच था, उन्होंने जब पानी में घोला उसको तो वो पूरी तरह घुल गया, है ना, उसका रंग बदल गया, लेकिन वो कण दिखाई नहीं देंगे हमको, तो वो विलयन हो गया। और ये जो है जिसमें कि जो ठोस है उसके कण हमको आंखों से दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम, निलंबन बोलते हैं या सस्पेंशन बोलते हैं। अब इसमें दिखाया है निलंबन के गुणधर्म, ठीक है ना, कि इसके क्या गुणधर्म है निलंबन के,
यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या बेटा, माना जैसे एक आपने ग्लास लिया कांच का, है ना, उसमें आपने चौक का चूरा या आटा में मिक्स कर दिया, फिर जब इधर से आप टॉर्च से प्रकाश डालोगे इसके ऊपर, तो इसमें से प्रकाश की किरणें जाती हुई हमको दिखेंगी, है ना। क्यों दिखेंगी? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें उन निलंबित कणों से टकराएंगी, और वो निलंबित कण जो हैं वो उसके मार्ग को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, तो इसलिए वो हमको प्रकाश की किरणें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग हमको दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी दिखने लग जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, अगर आप माना चुपचाप छोड़ दिया उसको, है ना, पहले आपने पानी में घोला उसको, आटे को, ठीक है ना, फिर उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा, या चौक के चूरे को घोला, फिर वो थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो बैठ जाएंगे, वो कण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर शुद्ध पानी आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये कैसा होता है? इम्परमानेंट होता है, परमानेंट नहीं होता है। छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अगर आप इनको छान लोगे तो जो कण हैं वो मिश्रण से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है ना। अब इसके बाद आता है कोलोइडल विलयन। तो हमने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ी ना बेटा, पहला था विलयन, दूसरा था निलंबन, है ना, तीसरा है कोलोइडल विलयन। तो पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्रियाकलाप 2.2 में, एक्टिविटी 2.2 में, जो समूह द यानी ग्रुप डी के जो बच्चे थे, जिनके पास क्या था याद करो, जिनके पास स्याही की कुछ बूंदें या दूध, थोड़ा सा दूध था, दूध या स्याही की कुछ बूंदें थी उनके पास, है ना, दूध या स्याही की कुछ बूंदें। तो वो अगर बहुत सारा दूध डाल दोगे तो वो कण दिखेंगे नहीं। आपने पानी आपने बहुत सारा लिया और उसमें एक दो जो है ना वो डाल दोगे आप, दूध की बूंद डालोगे, तो वो अलग होते हुए दिख जाएंगे आपको कण, ठीक है ना। तो ग्रुप डी जो है इसके इसके द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलोइड या कोलोइड विलयन कहा जाता है, ठीक है ना। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, है ना, ये उसके अंदर क्या होता है बेटा, समान रूप से फैल जाते हैं। ये निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण, है ना, निलंबन में जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और कोलोइडल विलयन में कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। ये लगता कैसा है हमको कि होमोजीनियस है ये मिक्सचर, लेकिन वास्तव में होमोजीनियस नहीं होता है ये, क्योंकि वो उसमें घुलते नहीं हैं, पूरी तरह नहीं घुलते, है ना। भले ही हमारी आंखों को कैसा प्रतीत हो, वो घुला हुआ प्रतीत हो, लेकिन वो वास्तव में अगर उनको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो वो कण हमको उसके अंदर झूलते हुए दिख जाएंगे। स्याही के कण भी दिख जाएंगे और दूध के कण भी दिख, जैसे तुम ऐसे करना, एक बाल्टी लेना, है ना, बाल्टी ले लो या कोई बड़ा कांच का वो ले लो, है ना, उसमें खूब सारा पानी भर लो, फिर उसके अंदर दूध की एक बूंद डालना, तो वो दूध की एक बूंद डालोगे तो वो कण आपको नीचे जाते हुए दिख जाएंगे, दूध के अंदर जो बसा वगैरह के कण होते हैं ना वो आपको नीचे जाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कोलोइडल विलयन होते हैं वो कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, ये कोलोइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, है ना। हमको आंखों से तो ये नहीं देखते, लेकिन जैसे यहाँ पे ये था हमारा, है ना, और इसके अंदर देखो ये तो है विलयन है, देखो इसमें दिखा रखा ना, ए कॉपर सल्फेट का विलयन है इसके अंदर, तो और इसमें क्या है, दूध तथा पानी का मिश्रण है, तो ये तो कैसा हो गया, विलयन हो गया, और ये कैसा हो गया, कोलोइडल विलयन हो गया। ये सामान्य विलयन है और ये क्या है, कोलोइडल विलयन है। देखो इसमें से आपको ये टॉर्च का प्रकाश जाता हुआ नहीं दिख रहा ना, लेकिन इसमें से दिख रहा है ये जाता हुआ, है ना, क्योंकि इसमें जो दूध के कण हैं वो इसमें पूरी तरह नहीं घुलते हैं, है ना, तो इसलिए वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो प्रकाश का मार्ग हमको दृष्टिगोचर होने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। तो अगर किसी द्रव में से जब हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, अगर द्रव प्रकाश की किरणों नहीं फैलें,
है ना, तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। और अगर प्रकाश की किरणें फैलने लग जाएं उसमें से, फैली हुई हमको दिखने लग जाएं वो, तो वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है ना। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या मतलब बेटा इसका, देखो प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है ना। तो ये जो है कॉपर सल्फेट जो है, ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाता है, तो इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। जबकि दूध के जो कण हैं, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, और प्रकाश का मार्ग हमको दिखने लग जाता है ना। तो इसलिए ये दूध जो है ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, तो कोलोइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव रख दिया गया। एक कमरे में छोटे से छिद्र से के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, है ना। और देखो तुम ऐसे करना, जैसे रोशनदान से माना प्रकाश आ रहा है ना कमरे में, और तुम कमरे में, वैसे तो वो तुमको नहीं दिखेगा प्रकाश आता हुआ, है ना, लेकिन तुम उसमें झाड़ू लगा दो कमरे के अंदर, तो धूल के कण फैल जाएंगे ना उसमें, घूमने लग जाएंगे, तो फिर आपको वो जो स्ट्रिप है प्रकाश की पूरी आती हुई उसमें से तिरछी दिखेगी। ठीक है ना, तो जैसे ही आप झाड़ू लगा दोगे तो धूल के कण उठे ऊपर हवा में तैरने लग जाएंगे ना, तो फिर वो आपको स्पष्ट रूप से वो धूल के कण उस प्रकाश में, है ना, दिखने लगेंगे। तो वो क्यों दिख रहे हैं बताओ, प्रकाश दिख रहा है एक्चुअली में। तो प्रकाश क्यों दिख रहा है, क्योंकि धूल के कणों ने उस प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया, छितरा दिया उनको। ठीक है, तो एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब हम प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये फर्स्ट है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है ना, क्योंकि इसमें विलयन प्राप्त होता है हमको, है ना। दूसरे में है दूध तथा पानी का मिश्रण, इसमें क्या है, दूध तथा पानी का मिश्रण है, तो इसमें देखो ये प्रकाश की किरणें दिख रही हैं जाती हुई, है ना। तो ये कैसा है, कोलोइडल विलयन है ये, और ये दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव क्या करता है, ये दर्शाता है ना। तो ये दिखाया था ना इसमें कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है ना, तो उसमें धूल के कण भी होते हैं और कार्बन के कण भी होते हैं। जब एक घने जंगल के, है ना, जब एक घने जंगल के आच्छादन से, है ना, आच्छादन का मतलब क्या बेटा, तो खूब सारे घने वृक्ष हैं, है ना, तो घना जंगल है तो उसको आच्छादन हो गया। जंगल के आच्छादन से, है ना, सूर्य की किरणें गुजरती, जैसे तुमने खुद ने भी देखा होगा, तो जहाँ बेटा पेड़ों का झुरमुट होता है ना, खूब सारे घने घने पेड़ होते हैं, तो वहाँ जब किरणें ऊपर से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो उन जग जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहाँ वो दिखने लग जाता है प्रकाश का, प्रकाश जो है ना हमको, प्रकाश की किरणें हमको दिखने लग जाती हैं। ठीक है ना, तो एक तो जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, उस जगह हमको टिंडल प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। जंगल के कोहरे में, है ना, तो कोहरा को, कोहरा कैसे बताओ जंगल के अंदर बेटा, क्योंकि जंगल में क्या है, घने घने पेड़ होते हैं, और तुम्हें पता ही बेटा पौधों से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है ना। तो वाष्पीकरण होता है, तो वो जो वाष्प होती है वो किस में बदल जाती है, ठंडक की वजह से हल्का हल्का कोहरा बन जाता है वो। तो जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कि कोलोइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, है ना। तो वो जो जल वाष्प के जो कण हैं, वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, छितरा देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें, इसके बाद ये आ जाता है इसमें देखो ये चित्र दिखा रखा है आपको, है ना। देखो ये इस तरह से प्रकाश आता हुआ नीचे नीचे दिख जाता है, जबकि सामान्य खुला आसमान है तो वहाँ आपको प्रकाश नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन इनमें से दिख जाएगा आपको, ऐसे घने जंगल जो होते हैं ना, तो उनमें से ये प्रकाश की किरणें ऐसे नीचे छनती हुई नज़र हमको आ जाती हैं। अब है कोलोइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलोइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। देखो
ये इतने छोटे होते हैं कि आँख से, साधारण आँख से तो हमको नहीं दिखते, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं ये, यानी जो विलयन जो होता है उसके कणों की अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझो बेटा कि ये जो हैं कोलोइड के जो कण हैं, ये निलंबन के कणों से तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि विलयन के कणों से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते नहीं हैं, तल पर नहीं बैठते हैं ये, अर्थात ये कैसे होते हैं, स्थाई होते हैं। देखो इसमें ये नहीं ऐड कर लेना बेटा आप, ये है ना, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, छान के हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि होती है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक जो होती है उसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, इसमें दो चीज हैं, एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक है परिक्षेपण माध्यम, है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब जैसे माना पानी के अंदर आपने स्याही घोली, है ना, तो पानी जो है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है ना, और जो स्याही है वो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है ना। इसी प्रकार अगर आपने पानी के अंदर दूध को घोला तो दूध जो है वो क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, है ना, और जो पानी है वो क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया। तो परिक्षिप्त प्रावस्था को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, है ना। जो चीज़ घुलती है और जिसमें घुलती है वो परिक्षेपण माध्यम होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाता है वो, ठीक है। तो कोलोइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक है ना, या परिक्षिप्त कण जो कोलोइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जो कण होते हैं उनको, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। कोलोइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया, ये टेबल में आगे दिखा रखा है ना, ये इसमें टेबल में आगे दिखा रखा है बेटा, ये देखो ना। तो इसमें इस टेबल के प्रति आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी रटना नहीं है बेटा इनको, बस हल्का हल्का देख लेना, है ना। जैसे ये परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई कि अगर द्रव जो है वो गैस में घुल रहा है तो इसके को, इस प्रकार को एरोसोल बोलते हैं हम, इस प्रकार के कोलोइडल विलयन को क्या बोलते हैं हम, एरोसोल बोलते हैं। उनके उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। अगर ठोस कण किस में, किस माध्यम में घुल रहे हैं, गैस में घुल रहे हैं, तो ये भी एरोसोल कहलाता है। गैस द्रव में घुल रहा है तो ये फोम कहलाता है। इनके ये उदाहरण दे रखे हैं, जैसे शेविंग क्रीम होती है तो उसमें गैस किस में घुली रहती है, द्रव में घुली रहती है। द्रव द्रव में घुल रहा है तो ये इमल्सन कहलाता है, जैसे दूध, फेस क्रीम, है ना। तो इनको एक बार हल्का हल्का देख लेना बेटा, ठीक है। ये जैसे ठोस ठोस में घुल रहा है तो ठोस सोल कहलाता है, रंगीन पत्थर, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया, कांच आदि, ठीक है। अच्छा अब हम इस पे आते हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि अगर हमारे पास कोई मिश्रण है तो हम उसके घटकों को कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है ना, अगर मिश्रण कोई चीज मिली हुई तो उसको आप कैसे अलग करोगे, है ना। तो देखो बेटा, अब मिश्रण के घटकों के पृथक्करण का मतलब ये है कि कोई चीज, दो चीज़ या तीन चीज़ मिली हुई हैं तो उनको कैसे अलग करोगे आप आपस में, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, है ना। जो वैसे तो शुद्ध होंगे वो, है ना, जैसे दूध है, दूध में अगर पानी नहीं मिला हुआ तो तुम नॉर्मल भाषा में तो क्या कहोगे, उसको शुद्ध कहोगे। लेकिन दूध शुद्ध नहीं है, रासायनिक दृष्टि शुद्ध नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ है, पानी भी मिला हुआ है, थोड़ा बहुत तो पानी होता ही है ना, चाहे भले ही भैंस का ताज़ा दूध है वो, है ना, तो भी उसके अंदर पानी तो होता ही है, क्योंकि भैंस जो पानी पीती है तो वो पानी मिक्स होता ही नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है ना। और उसके अंदर वसा होती है, उसके अंदर प्रोटीन होती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है, ठीक
ठीक है ना। अब देखो बेटा, मैं तुमको ये एक एक लाइन पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ बच्चों, है ना, इसलिए सुना रहा हूँ बेटा कि तुमको भी बुक रीडिंग की आदत पड़ जाए, है ना। बुक रीडिंग करना बहुत ही जो है ना लाभदायक सिद्ध होता है ना। जिस बच्चे ने बेटा बुक रीडिंग की आदत डाल ली, है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके, ठीक है ना। अंदर डिटेल में पढ़ना होता है हमको। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है ना, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो कि हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को भी प्रयोग में लाया जाता था। अब हम यहाँ अलग अलग प्रकार की तकनीकों को पढ़ेंगे कि भाई इसमें से इसको अलग करना है तो कैसे करोगे, इसमें से इसको अलग करना है तो कैसे करोगे, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जाए, है ना। अब देखो, चाहे बेटा नीली स्याही हो या काली स्याही हो, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, दो चीज होती हैं, एक तो जल होता है, ठीक है ना, और एक उसके अंदर डाई होती है जिससे कि उसका वो रंग बनता है, ठीक है ना। तो अगर आप धीरे धीरे उसको गर्म करोगे, है ना, स्याही को क्या करोगे आप, धीरे धीरे अगर गर्म करोगे तो बेटा जो पानी है स्याही के अंदर वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, है ना, और जो डाई है ना वो आपको बच जाएगी। आई ना बात समझ में। वापस अगर उस डाई में आप पानी मिला दोगे तो वापस से क्या बन जाएगी, वो स्याही बन जाएगी। तो इस तरह से हम रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते, तो इसको हम कौन सी विधि से करेंगे, वाष्पीकरण की विधि से हम इसको अलग कर लेंगे, है ना। एक्टिविटी 2.4 बहुत आसान है। देखो, आधा बीकर जल ले लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें। वाच ग्लास का मतलब होता है बेटा सिंपल जो ग्लास की प्लेट होती है, जो हमको दिख जाए, आर पार दिख जाता है ना उसमें, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है ये, है ना। देखो ये क्या है, बीकर है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। पानी के ऊपर क्या रख रखी है, बीकर के ऊपर क्या रख रखी है, ये एक कांच की प्लेट रख रखी है। इसी कांच की प्लेट को वाच ग्लास बोलते हैं, क्योंकि इसमें आर पार हमको क्या है, दिख जाता है। और इसके ऊपर ये स्याही डाल रखी है, है ना। फिर इस बर्नर की सहायता से, है ना, इस बीकर को गर्म कर रहे हैं हम, तो बीकर को गर्म करने पर क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी की भाप बनेगी, भाप इस कांच की प्लेट को, वाच ग्लास को गर्म करेगी, और फिर वाच ग्लास को गर्म, जब ये वाच ग्लास गर्म होगा तो फिर ये स्याही गर्म होगी, स्याही गर्म होगी तो इसमें से जो पानी है स्याही का वो भाप बन के क्या होगा, उड़ेगा, ठीक है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि इसको कैसे अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बूंदें स्याही वाच ग्लास पर डाल दें, अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है ना। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रख सकते। अब तुम पूछोगे सर कि इसको डायरेक्ट क्यों नहीं गर्म कर रहे, है ना, इनडायरेक्ट गर्म क्यों कर, क्योंकि हम उसको बहुत धीरे धीरे गर्म करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा, उसको हम बहुत धीरे धीरे गर्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें, ऑब्जर्व करें इसको, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन, तो ये विधि क्या कहलाती है, वाष्पीकरण विधि कहलाती है ना, इवेपोरेशन कहलाती है। उत्तर दीजिए, आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ, बताओ, पानी का, जल का वाष्पीकरण हुआ। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा, यस, है ना। तो जो नीला या काले रंग की जो स्याही है, उसकी जो डाई है ना, वो अवशेष के रूप में बची। क्या आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, बताओ, मिश्रण है ना, क्योंकि दो चीज़ें ना इसके अंदर, पानी है और डाई है, तो इसलिए ये शुद्ध नहीं रहा ना, रासायनिक दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, एक मिश्रण है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा बेटा, देखो 2.3.1 है ना, इसमें कई विधियां हैं, अगर किस चीज़ को किस चीज़ में से कैसे अलग करोगे, तो रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करेंगे, है ना। तो नीले रंग की या काले रंग की स्याही है, उसमें से अगर आपको डाई अलग करनी है तो आप कैसे करोगे, बताओ, वाष्पीकरण विधि से हम उसको अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, हाँ, हम पाते हैं कि स्याही जल में
रंग का एक मिश्रण है, तो जल में क्या मिला हुआ है, रंग मिला हुआ है, कलर मिला हुआ है, तो मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया, ये मिक्सचर हो गया। इस तरह से विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण, इस तरह से है ना, हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा है बेटा, दूध से क्रीम को अलग करना है ना, तो बताओ गर्म करके कर सकते हो क्या क्रीम को अलग? नहीं, है ना, मावा बन जाए। दूध को अगर आप गर्म करोगे और क्रीम निकालना चाहोगे तो ऐसे गर्म करने से क्रीम नहीं निकलेगी, गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, उसका मावा बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा एक विशेष तकनीक होती है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रण तकनीक। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण तकनीक। जैसे तुमने देखा होगा ना बेटा कि इस तरह से जैसे गांव के अंदर वो होती है छाछ बना, जो है ना, जैसे दही होती है, दही को एक नाद होती है, नाद में डाल देते हैं और फिर एक रई होती है, उससे ऐसे यूं चलाते हैं, इस तरह से ऐसे यूं हाथ से, ठीक है ना। तो यानी किसी द्रव को तेजी से घुमाना, समझ गए ना बात, किसी द्रव को क्या करना, तेजी से घुमाना, जिससे कि उसके अंदर जो कण हैं वो उस विलायक से क्या हो जाए, अलग हो जाए, पृथक हो जाए, ठीक है ना। तो इस तकनीक को हम अपकेंद्रण तकनीक बोलते हैं। तो उस नांद के अंदर रई से चल मथ रहे ना उसको, मथानी जो होती है ना, मथानी से क्या कर रहे हैं उसको, मथ रहे। तो मथानी क्या कर रही है, उसको तेजी से घुमा रही है उस द्रव को, तो इतना तेजी से घुमाते हैं कि वो जो द्रव हैं वो उसमें से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। ऐसे तुमने देखा होगा वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं बेटा, है ना, ये कपड़ा जो होता है उसको वॉशिंग मशीन में जो ड्रम होता है उसके अंदर पटक देते हैं ना, और फिर उसको वॉशिंग मशीन को ऑन कर देते हैं, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, बहुत तेज़ी से घूमता है उसका जो ड्रम होता है, तो इतना तेज़ी से घूमता है कि वो पानी जो है उन कपड़ों में से क्या होता है, अलग हो जाता है ना। तो इसलिए वो पानी अलग होती है, तो बिल्कुल जस्ट वो लगभग सूख जाते हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए खुले में डाल दो और कपड़े सूख जाएंगे। तो ये जो विधि है यानी तेजी से घुमाकर किसी चीज को उसमें से पृथक करना, इस विधि को हम अपकेंद्रण विधि कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो दूध से क्रीम को भी इसी प्रकार पृथक किया जाता है ना। तो आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम है ना, फुल क्रीम, ये अलग अलग तरह के, जैसे तुमने देखा होगा ना बेटा सरस की डेयरी पे अगर तुम दूध लेने जाओ तो गोल्ड वाली भी मिलती है, ब्लू वाली भी मिलती है, येलो वाली मिलती है ना, करीब चार पांच तरह के दूध की क्वालिटीज होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग मात्रा में फैट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आजकल बाजार में संपूर्ण क्रीम, टोंड, डबल टोंड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रापैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, तो फैट्स की मात्रा के अलग अलग आधार पर ये, जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वो महंगा आता है ना। अच्छा अब देखो ये एक्टिविटी 2.5, एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें, एक परख नली में थोड़ी सी मात्रा में जिसमें फुल क्रीम हो, ठीक है ना। अब है अपकेंद्रीय यंत्र, अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें, घुमाएं इसको, ठीक है ना। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे अलग करते हैं। एक मशीन होती है उनके पास, उसमें दूध को घुमाते हैं बहुत तेज़ी से, तो उससे वो क्रीम दूध से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है ना। और उसी के आधार पर वो पैसे निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे कोई दूधिया है, गांव से दूध लेके गया मशीन पे, है ना। तो अब कई जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में ला लाते हैं, सोचते हैं कि इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो जो दुकानदार होता है वो किसके आधार पर रेट तय करता है, इसके अंदर कितनी वसा है, तो वो उस मशीन में उसको थोड़ा सा सैंपल ले लेता है उसका, और उसमें घुमाता है उसको, देखता है इसके अंदर कितनी क्रीम है, उसी के आधार पर उसकी रेट डिसाइड वो कर देता है। तो वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, इसी अपकेंद्रण विधि से, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से अलग करते हैं। वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं, है ना। तो पनीर बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसमें से वसा को अलग करना पड़ेगा ना, तो कुछ इसी सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से ही ये काम भी किया जाता है। दूध के मथने पर आपने क्या देखा, दूध से क्या अलग हो जाती है, क्रीम अलग हो जाती है। दूसरा है दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं, दूध में से क्रीम कैसे निकालोगे, वही है
है ना, किससे, अपकेंद्रण विधि से। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण है ना, कभी कभी क्या होता है बेटा, द्रव के अंदर जो मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर नहीं, ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं, हाँ है ना, यानी उस छलनी में रुकेगा नहीं वो, है ना, उसके साथ ही नीचे आ जाएंगे वो, है ना, क्योंकि उसके अंदर वो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वो छानक पत्र से बाहर निकल आते, बाहर निकले मतलब उससे छन के नीचे आ जाते हैं वो, है ना, वो छानक पत्र उनको रोक नहीं पाता है। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंपल छान के हम, जैसे छलनी से अगर तुम छान के दूध में से क्रीम अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। कौन सी टेक्निक से, अपकेंद्रण से, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से इसको अलग किया तक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। तो अब देखो दूध और पानी के केस में भारी हल्का कौन है बताओ, है ना, दूध में से क्या अलग कर रहे हैं हम, क्रीम अलग कर रहे हैं ना बेटा, तो दूध के अंदर जो पानी है, पानी जो है वो भारी कण है, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो क्रीम है वो कैसी होती है, हल्की होती है, इसीलिए वो क्रीम कहाँ आ जाती है, ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये, इस सिद्धांत के अनुसार जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, और उन कणों को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना। अब इस विधि के उपयोग देखो, ये है ना, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, है ना, तो बेटा जो लेबोरेटरी होती है, जैसे बीमार हो गए वहाँ हमको ब्लड टेस्ट करवाना है या यूरिन टेस्ट करवाना है, तो वहाँ जो टेस्टिंग मशीन होती हैं उनमें रक्त के अलग अलग कणों को पृथक किया जाता है तभी तो टेस्ट करते हैं। ऐसे मूत्र है, मूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ मिक्स हो रखी है उनको सबको अलग करके टेस्ट करने हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से ही मशीनें होती हैं उनमें इनको घुमाया जाता है ना, और फिर उसके कण क्या होते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट ले ली जाती है। दूसरा उपयोग है डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन से भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, बताया था ना मैंने आपको बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगली वो है 2.3.3, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाए। दो द्रव हैं, दो लिक्विड हैं, और वो आपस में अघुलनशील हैं, घुले हुए नहीं हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने पानी और दूध लिया, एक लीटर पानी लिया और एक लीटर दूध लिया, आपने मिला दिया तो वो तो घुलनशील है, घुल जाएंगे एक दूसरे में। लेकिन अगर आपने पानी और तेल लिया, है ना, एक लीटर पानी लिया और एक लीटर तेल लिया, एक दूसरे को मिक्स किया, है ना, तो थोड़ी देर तो वो क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मिक्स हो गए, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वो जो तेल है वो ऊपर तैरने लग जाएगा पानी के, समझ गए ना बात, तेल जो होगा वो क्या होगा, ऊपर तैरने लग जाएगा, है ना। तो देखो इसमें ये इस चित्र से ही समझ जाओगे आप बहुत अच्छी तरह से, पूरा इस चित्र से ही समझ में आपके आ जाएगा। जैसे ये एक पृथक्करण कीप है, ये क्या कहलाता है बेटा, पृथक्करण कीप कहलाता है ये, है ना। इसमें मिट्टी के तेल और जल का भर दिया, मिश्रण भर दिया, मिट्टी के तेल को और जल को मिक्स करके भर दिया इसमें, ठीक है ना। ऊपर से ऐसे समझो पहले मिट्टी का तेल पटक दिया या पहले पानी पटक दिया फिर तेल भर दिया इसके अंदर, तो मिक्स हो गए कि नहीं हो गए ये, है ना। और यहाँ पर ये स्टॉप कॉक लगी हुई है, स्टॉप कॉक का मतलब क्या है, जैसे नल टोंटी होती है ना, वो नल की टोंटी लगी हुई है, तो इसमें से ये अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, कुछ देर जब आप इसको शांत छोड़ दोगे, है ना, चुपचाप इसको रखे रहने दोगे, तो क्या होगा कि पानी नीचे आ जाएगा और जो मिट्टी का तेल है वो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी एक सतह बन जाएगी, यानी नीचे नीचे पानी रह जाएगा और मिट्टी का तेल कहाँ रह जाएगा, ऊपर, यानी भारी नीचे और हल्का ऊपर, है ना। अब आप इसको खोलो, इस टोंटी को धीरे धीरे, है ना, तो फिर इसमें से ये नीचे वाला बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये नीचे वाला जो द्रव है ये क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा, है ना। तो इसको आपने उसमें नीचे किसी दूसरे उसमें कैन के अंदर खाली कर लिया, माना कर दिया, तो फिर ये होते 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 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाई जस्ट अब जल तो अलग हो गया और मिट्टी का तेल आने वाला है, तो अब उसको हटा दिया, नीचे जो कैन लगा रखी थी अब इसने हटा, आपने हटा दिया, फिर दूसरी कैन रख दी इसके नीचे, यहाँ पे दूसरी कैन रख दोगे आप, तो फिर उसके अंदर
क्या आ जाएगा। फिर वापस से जब इसको खोलोगे टोंटी को आप, तो आपको मिट्टी के तेल को उसमें भर लो। तो इस तरह से मिट्टी का तेल और पानी क्या हो गया इसमें से अलग हो गया। तो इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार के दो द्रवों को अलग कर सकते हैं जो कि आपस में अघुलनशील हैं। क्या है बेटा? अघुलनशील हैं, ठीक है ना? आया समझ में? देखो यही कहना चाह रहा है ये इस एक्टिविटी के अंदर, दो अघुलनशील द्रव इनसॉल्युबल, घुलनशील को सॉल्युबल बोलते हैं है ना, और अघुलनशील को इनसॉल्युबल। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? आइए कीप के प्रयोग से, कीप है ना, के प्रयोग से मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डाल दिया। तो ये जो दिखा रखा है ना, ये क्या है? सेपरेटिंग फनल है, पृथककारी कीप, पृथककरण कीप, सेपरेटिंग फनल, इसमें डाल दिया। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत बन जाए, अलग अलग लेयर बन जाए उसकी। पृथककरण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोल दें, ये जो नीचे स्टॉप कॉर्क लगी हुई है ना, टोंटी जो लगी हुई, इसको खोल दें, ठीक है ना? और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को क्या कर लें? निकाल लें। पहले पानी को अलग कर लिया, जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, अब पानी खाली होगा तो तेल ऊपर से नीचे आएगा, नहीं आएगा? जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना? फिर उसके बाद अब इसके अंदर क्या चीज बची हुई रह गई? तेल बचा हुआ रहेगा, उसको अलग कर लिया, ठीक है ना? तो अब इसके क्या दिखा रखा है? अनुप्रयोग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको पृथक कर सकते हैं। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, है ना, जब धातु का शोधन होता है, क्योंकि बेटा जो धातु जो उनसे मिलती हैं, खानों से मिलती हैं, उनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, है ना? तो जब उनको गर्म करते हैं तो वो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर तैरने लग जाती हैं। तो इस तरह से नीचे लोहा होता है और ऊपर अशुद्धियाँ होती हैं। तो पहले लोहे को अलग कर लिया और अशुद्धियों को बाद में अलग कर लिया। तो इस विधि द्वारा हल्के स्लैग, धातु मल, ये अशुद्धियों को बोलते हैं स्लैग या धातु मल, है ना, को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जो उनकी डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, उसके हिसाब से वो अलग अलग लेयर्स में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद आते हैं हम 2.3.4, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? बहुत आसान है ना? अब तुमने देखो, याद करो, पहले आया था एक ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, यानी कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में जाने के बजाय सीधे ही ठोस से कहाँ पहुंच जाते हैं? गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब उनको वापस से ठंडा किया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही किस में पहुंच जाते हैं? वो ठोस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोलते हैं और इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करना है, मतलब नमक नमक और कपूर मिक्स हो रखें, तो क्या कर दो आप? गर्म करना शुरू कर दो उनको। तो कपूर क्या होगा? उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या होगा? बाष्पीकृत हो जाएगा। उसको ऊपर कोई ठंडी सतह रख दो, उस पर इकट्ठा कर लो उसको, है ना? ठंडी सतह रखोगे तो उस पर क्या हो जाएगा? वो संघनित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठंडा होके संघनित, उसको पृथक कर लिया हमने। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सीधे ठोस से कहाँ पहुंच जाता है? वो गैस अवस्था में वो पहुंच जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, इस प्रकरण में नमक को अशुद्धि माना गया है ना? एक तरह से ये मान के चलो कि कपूर बहुत ज्यादा मात्रा में है और थोड़ा सा गलती से नमक मिल गया उसके अंदर, है ना? माना 1 किलो कपूर है और उसमें 10 ग्राम नमक मिल गया। अब आपको अलग करना है तो क्या कर दो? ऊर्ध्वपातन कर देंगे हम इसका, ठीक है ना? तो पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है? NH4Cl। एक नाइट्रोजन का परमाणु है,
चार हाइड्रोजन के परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है, ठीक है। NH4Cl, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन इत्यादि, ये ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। अब आपसे कोई पूछे ऊर्ध्वपातन वाले ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण बताओ, तो आप बोल सकते हो ना, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रेसीन हो गया, और कपूर का तो बताया ही था आपने, ठीक है ना। इस तरह से है ना, तो देखो इस चित्र को देखने से ही आपके पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आप नमक और कपूर को अलग कर सकते हो, है ना। जैसे अब देखो बेटा, एक ये नीचे बर्नर लगा हुआ है और ये एक ट्रे है, ये दिख रही है ना आपको, एक गोल सी ट्रे दिख रही है, और इसके ऊपर उल्टा करके इस कीप को रख दिया, है ना, उल्टा करके किसको रख दिया, एक कीप को रख दिया, और इसकी जो नली का नीचे का सिरा है इसमें रुई लगा दी, रुई ठूंस दी, प्लग, रुई का प्लग बना दिया, है ना। अब देखो बेटा, इस जब चीनी मिट्टी की जो ये प्याली है ना, इसके अंदर ये कपूर तथा नमक का जो मिश्रण रखा हुआ है, इसको जब गर्म करते हैं तो ये कपूर क्या होता है बताओ, इसमें से वाष्पीकृत होगा, सीधा ही ये द्रव में नहीं बदलेगा, है ना, क्या हो जाएगा, सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। वाष्पीकृत कहने के बजाय मैं इसको क्या बोलूँगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातित होगा तो किस में बदलेगा, गैस में, है ना। क्योंकि देखो बेटा, अगर द्रव में बदलता तो द्रव में तो क्या होता, पानी में घुल जाता ना फिर नमक, समझ गए ना बात। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, सीधा ही कपूर ठोस से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है ना। तो ये इसकी क्या बन गई, वाष्प बन गई। फिर देखो ये वाष्प जो है इस कपूर की, ये किससे टकराएगी, इस फनल की दीवारों से टकराएगी, इस कीप की दीवारों से टकराएगी। अब ये कीप की दीवारें कैसी हैं, ठंडी हैं, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इस तरह से ये किस पे चिपकता जाता है, यहाँ से ऊर्ध्वपातित होकर ये कपूर इस कीप की परतों दीवारों पे चिपकता हुआ चला जाता है। तो फिर इसको हटा लो तो इसके ऊपर तो क्या आ गया, कपूर आ गया, और इसमें क्या चीज़ बची हुई रह जाएगी, नमक बचा हुआ रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक को इस प्रकार से हम पृथक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब आता है 2.3.5, है ना। क्या स्याही, काली स्याही में डाई का एक ही रंग होता है, नहीं, है ना। यानी काली स्याही जो होती है बेटा, ये भी करीब दो तीन रंगों से मिलके बनी होती है। क्या काली स्याही में डाई का एक ही रंग है, नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए बेटा एक इसने एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है, ये रहा, है ना। इसे ये एक वो ले लिया, छानक पत्र ले लिया, ये क्या है बेटा, फिल्टर पेपर है। छानक पत्र का मतलब क्या होता है, फिल्टर पेपर, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, उसी तरह का ही कुछ होता है ये, है ना। तो इसमें से जैसे ही आप इसका कीप नुमा बना के इसमें कुछ चीज़ छानोगे तो वो जो ठोस जो मोटे कण है वो छानक पत्र पे बच जाएंगे, और जो द्रव है इसमें से छन के नीचे चला जाता है, इसलिए इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं हम, ठीक है। ये छानक पत्र हो गया, फिर इस पर क्या करिए, एक रेखा खींच दी हमने, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक रेखा खींच दी, और यहाँ पे एक बीचों बीच हमने एक बूंद रख दी स्याही की, ठीक है ना। और फिर इस स्याही की बूंद को, ये क्या है, एक जार है, ये क्या है बेटा, एक जार है, है ना। और इस जार में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, है ना। इस जार में ये यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है ना। तो इसको लटका दिया, इस फिल्टर पेपर को इस जार के अंदर क्या कर दिया हमने, लटका दिया, है ना। देखो ये दिखा रखा ना, कागज़ की क्लिप, है ना, इस क्लिप से इस तरह से लटका दिया, और ये कांच की क्या है, एक छड़ है, है ना, एक कांच की छड़ में इस तरह से हमने क्लिप के द्वारा, है ना, ऐसे उल्टा करके, जैसे कपड़े को सुखाते हैं ना तार के ऊपर, तो ऐसे घड़ी करके इस तरह से उल्टा ऐसे लटका दिया इसको, फिल्टर पेपर को, ठीक है ना। तो ये कांच की छड़ हो गई, ये कागज़ की क्लिप हो गई, ये जार हो गया, ये छानक पत्र हो गया, ये फिल्टर पेपर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल की शेप का, आयताकार शेप, ये छानक पत्र हो गया, और ये स्याही का निशान हो गया, है ना। तो देखो जब इसको पानी में डुबो रहे हैं तो पानी क्या होगा बेटा, इस फिल्टर पेपर पर ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, पानी क्या होगा, इस फिल्टर पेपर पे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही ये पानी यहाँ पहुँचेगा इस स्याही पे, तो स्याही के कणों को लेकर ये पानी फिर ऊपर उठेगा, समझेंगे, समझे बात, है ना। स्याही के कणों को लेके ये पानी कहाँ ऊपर उठेगा, है ना, ऊपर उठेगा। देखो पानी सिर्फ यहीं पे है बस, ये नीचे नीचे, इसमें ऊपर पानी नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। पानी सिर्फ कहाँ पे है, यहाँ नीचे। तो यानी यूँ समझोगे, ये जो फिल्टर पेपर, ये हल्का सा डिप हो रहा है इसके अंदर पानी में, है ना, ये पूरा डिप नहीं हो रहा, है ना। पूरा डिप होगा तो फिर तो फट से छूट जाएगी ये स्याही इसमें से, है ना। यानी ये जो फिल्टर पेपर है, ये इस पानी के अंदर थोड़ा सा ही डिप हो रखा, थोड़ा सा ही डूबा हुआ है,
ठीक है ना। तो जैसे ही ये पानी चढ़ने लगेगा इसमें, धीरे 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 चढ़ेगा, तो फिर जैसे ही यहाँ स्याही के पास पहुंचा पानी, तो फिर पानी स्याही के कणों को लेके फिर वापस ऊपर उठेगा। तो जब ये ऊपर उठना शुरू करता है, तब हम देखते हैं कि ये जो स्याही के रंग हैं वो इसमें से अलग अलग हो जाते हैं, तो आपको अलग अलग दिखने वो लग जाते हैं। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि स्याही के अंदर सिर्फ जो स्याही होती है वो एक ही रंग की नहीं होती, काली स्याही सिर्फ एक ही रंग की नहीं होती, इसके अंदर भी दो तीन रंग होते हैं, ठीक है ना। देखो इस क्रियाकलाप में यही समझाया गया, इस एक्टिविटी में आपको यही समझाया गया है। छानक पत्र की एक पतली परत लें, वो ले ली ना हमने, पतली परत जो दे रखी थी, पतली लेयर ले ली। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें, इस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, ऐसी स्याही की जो जल में घुल जाए, काली स्याही की एक बूंद रख दी, इसको सूखने दिया। जार, बीकर या परख नली में जल लें, जार ले लो चाहे बीकर ले लो चाहे परख ले लो, उसमें पानी ले लिया हमने, उसमें इस छानक कागज़ को, इस फिल्टर पेपर को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, कि वो जल की सतह से क्या रहे, ठीक ऊपर रहे, है ना, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें, ठीक ऊपर रहेगा मतलब क्या बेटा, कि हल्का सा डिप करता रहे इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें और अवलोकन को लिखें कि क्या प्रतीत आपको हो रहा है ना। तो देखो बेटा ये रहा, इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस विधि को, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण, अलग अलग करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो काली स्याही थी, इसके अंदर जो दो तीन घटक हैं इसके, वो इसमें से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो अब ये देखो इसने क्या रखा है, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा है ना, कि वो स्याही को लेकर ऊपर उठता है ना, क्या आपके आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया, यस। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना, पानी ऊपर उठ रहा है। जो स्याही हमने प्रयोग की, ठीक है ना, इसको केसी की विधि बोलते हैं, जैसे कोई द्रव जो है ना वो ऊपर उठता है किसी दूसरे माध्यम के सहारे सहारे, तो उसको केसी की विधि बोलते हैं, कोशिका नहीं केशिका, कैपिलरी एक्शन होता है बेटा ये, है ना। तो जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में है ना। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है, डाई के कणों को भी क्या करता है, ये अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है, ठीक है ना, और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है, ठीक है ना। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग